हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शेफ जी के बी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आलू और शिमला मिर्ची सब्जी की रेसिपी। आज हम मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये सब्जी कैसे बनाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नया नया रेसिपी नया तरीके से मिलते रहेंगे। आइए इसको बनाने के लिए शुरू करते हैं। शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम आलू को छोटा छोटा टुकड़े में छील के कटा हुआ है, और 2 कैप्सिकम को भी छोटा छोटा टुकड़े में कटा हुआ है, और हमने टमाटर चॉप किया हुआ है बारीक, और ओनियन चॉप किया हुआ है बारीक, और ये इसमें है जीरा, लहसुन और अदरक, इसको हमने इसमें कूटा हुआ है, और हमने 2 छोटी ग्रीन चिल्ली को बारीक चॉप किया हुआ है। आइए इसको बनाने के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें हम तेल डालेंगे। क्योंकि आलू पकने में थोड़ा सा तेल लगता है, तो हमने तेल थोड़ा आज ज़्यादा लिया हुआ है। लगभग इसमें है 4 टेबल स्पून ऑयल। अभी हमारा तेल गरम हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे ये जिंजर गार्लिक और जीरा कुटा हुआ और ग्रीन चिल्ली चॉप किया हुआ। ये देखिए तेल हमारा एकदम गरम है। इसको थोड़ा हम भुनेंगे, क्योंकि कुटा हुआ में बहुत अच्छा स्वाद आता है। और हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। और हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसको थोड़ा हम भुनेंगे। और अभी डालेंगे हम इसमें ओनियन। ओनियन आप हल्दी डालने से पहले भी रख के भून सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा भुनेंगे। अभी हमने इसको अच्छे से भुना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हमने बारीक बारीक काट के रखा हुआ छोटे टुकड़े में आलू, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करें और 4 से 5 मिनट इसको पकना दें, क्योंकि आलू ऐसे भूनते भूनते भी पक जाते हैं, तो अच्छा से इसको भून के पकाते रहें। अभी इसको ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट पकने के लिए दें, और बीच बीच में थोड़ा 1-2 मिनट में आप इसको चेक करके भी मिक्स कर सकते हैं। अभी हम इसको 4 मिनट के लिए पकने देंगे। अभी 4 मिनट हो चुका है। अभी हम इसको खोल के देखते हैं। ये अभी तक पका नहीं है, क्योंकि आलू पकने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये नॉन स्टिक कढ़ाई है। अगर आपका कढ़ाई नॉन स्टिक नहीं है, तो आपको बीच बीच में मिक्स करते रहना होगा। इसमें थोड़ा टाइम छोड़ेगा भी ये नीचे जल्दी से नहीं पकड़ता है। अभी इसको अच्छे से मिक्स करें। अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक से थोड़ा जल्दी पक जाते हैं। आप स्वाद अनुसार नमक का इस्तेमाल करें और इसको अच्छे से मिक्स करें। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, क्योंकि कैप्सिकम पकने में टाइम नहीं लगता है, तो हमने इसको बाद में ऐड किया हुआ है। अभी दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
अभी इसको फिर से हम ढक के हम इसको और 4-5 मिनट पकने देंगे। और गैस गैस को हमने किया हुआ है स्लो। अभी हम इसको ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं कि हमारा आलू पका कि नहीं। कैप्सिकम तो बहुत जल्दी पक जाता है, आपको देख रहा है कि कैप्सिकम पका हुआ है। आलू को हम चेक करते हैं, ये देखिए आलू कोई अभी पक चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे एक जो चॉप करके रखा हुआ टमाटर था, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। और हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छा से अभी हम मिक्स करेंगे। और अभी हम इसको और 2 मिनट के लिए पकने देते हैं ताकि जो टमाटर हमने डाला है वो भी अच्छे से गल जाए। अभी हमारा आलू और शिमला मिर्च का सब्जी जल्दी ही तैयार होने वाला है, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। अभी हम इसको खोलेंगे और मिक्स करेंगे। वाओ कितना अच्छा हो रहा है। इसको अच्छे से मिक्स करें और हमारा सब्जी अभी तैयार है, सारे चीज़ें पक चुका है। तो अभी हम इस गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको सर्व करते हैं। अभी हम इसको हमारा सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। कितना टेस्टी और कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो। अभी हम इसमें धनिया का पत्ते से हम लोग गार्निशिंग करेंगे। तो हमारा अभी आलू और शिमला मिर्च का सब्जी बनके तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। आप इसको बनाइए, घर पे ट्राई कीजिए और आपका एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे नए रेसिपी के साथ जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।